हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मर्दां दे आई। मर्द निकाह करन जिस वेले मुश्किल रहे नकाई। कलम रुबानी हथ वली दे लिखे जो मन भावे। वलिया नु रब कुदरत बख्शी लिखे लेख मटावे। खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से आज की वीडियो का आगाज करते हैं। करोड़ा दरूदो सलाम बर मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वालेही वसल्लम। लाखों रहमतों का नजूल हो अल्लाह के बरगजीदा बंदों पर जिन्होंने अपनी जिंदगियां दीन इस्लाम की खिदमत में सर्फ कर दी। नाजरीन कराम, आज हम एक ऐसी हस्ती का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी दीन इस्लाम की खिदमत में सर्फ की। उनका इस्मे गरामी है हजरत पीर सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह बुखारी अल मारूफ हजरत साहिब क़िबला कर्मा वाले। नए आने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको सदकाए जारिया समझते हुए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश इंडिया में सन 1884 में हुई। वालिदे बुजुर्गवार का नाम सैयद अली शाह था। तबीयत में इब्तदा ही से अल्लाह अल्लाह करने का शौक गालिब था। हजरत साहिब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह को दीनी उलूम के हुसूल का बहुत ही शौक था। चुनांचे दिल्ली और सहारनपुर के दीनी मदारिस से इस शौक की तकमील फरमाई। हजरत साहिब क़िबला फिरोजपुर के मशहूर सूफी बुजुर्ग मौलवी शरफुद्दीन चिश्ती, जिनका ताल्लुक हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौंसवी से था, उनके हाथ पर बैत फरमाई। हजरत साहिब क़िबला जो तसव्वुफ की इंतहाई बुलंदियों को छूने के लिए बेचैन थे, फरमाते हैं कि मौलवी साहब के हाथ पर बैत के बाद हमारी हालत अजीब हो गई कि उनके विसाल के बाद ये हालत और भी मुतगैर हो गई। एक रोज एक मजूब जनून शाह हमें देखकर बोले कि आपका हिस्सा शर्कपुर शरीफ में है। ये इशारा हमारा रहबर बन गया और हम शर्कपुर शरीफ, जहां हजरत क़िबला आलम मियां शेर मोहम्मद साहेब शर्कपुरी की धूम मची थी, उनकी खिदमत बाबरकत में पहुंच गए। देखकर फरमाया, शाहजी आ गए हो? अर्ज किया, जी। फरमाया, कुछ पढ़े लिखे भी हो? बोला, हाँ कुछ हूं तो सही, मगर सुर नहीं। हजरत मियां साहब शर्कपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह समझ भी दे देंगे। कमाल मेहरबानी से उनके सामने पुलाव की तश्तरी रखवाई। हजरत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम वो चावल खा रहे थे और ऐसा महसूस होता था कि तरीकत के तमाम रमूज़ो नुकात हम पर खुल रहे हैं। गोया मुर्शदे कामिल की पहली ही मुलाकात पर ये मुरीद सादिक बा मुराद हो गए थे। हजरत मियां साहेब बहुत ही सादगी पसंद थे। उन्हें लफ्ज पीर या दूसरे अलकाबात से बहुत नफरत थी, क्योंकि हजरत मियां साहेब शर्कपुरी शोहरत को बहुत ही नापसंद फरमाते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें वो बुलंदी और मकाम अता फरमाया था कि हजरत मियां साहेब की बुजुर्गी का आज भी डंका बज रहा है। हजरत साहेब इरशाद फरमाते हैं, हम सब बीमार ही तो हैं और जब तक आमाल की इस्लाह नहीं होती हम सेहत याब नहीं हो सकते। हजरत साहब क़िबला के हलका में और बुजुर्गों की तरह जिक्र व अज़कार की मजलिस मुनक़िद नहीं होती थी, बल्कि हजरत साहब क़िबला अपने मुरीदैन को हमेशा इस्मे ज़ात और दरूद पाक पढ़ने की हिदायत फरमाते थे। दरूद शरीफ अमूमन इशा की नमाज या तहज्जुद की नमाज के बाद पढ़ने को कहते थे। इस्मे ज़ात के बारे में हजरत साहब का इरशाद था कि इंसान को चाहिए कि वो उठते बैठते जबान को तालू के साथ लगाकर इस जिक्र में महव रहे कि आदमी तो दरकिनार फरिश्तों को भी इसकी खबर ना होने पाए। बस यही हमारे वजीफे हैं और यही हमारे चिल्ले हैं। इन दोनों वजायफ की पाबंदी के साथ इंसान को चाहिए कि वो पंच वक्ती नमाज बाजमात अदा करता रहे। अल्लाह ने चाहा तो वो बड़े बड़े गुनाहों से बचा रहेगा।
बैठे बैठे अक्सर जुबान मुबारक से बेसाख्ता निकलता हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शान है। इरशाद फरमाते थे कि इंसान जब खुदा से गाफिल हो जाता है तो वो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। इंसान के पहलू में गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा जिसे दिल कहते हैं, जब हक सुबहानहू ताला की याद से गाफिल हो जाता है तो ये दिल तरह तरह की दुनियावी आलाम की आमाजगाह बन जाता है। इरशाद फरमाया कि हमारे गांव का नाम कर्मों वाला था, मगर हजरत मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह लोगों से कहते कि कर्मों वाला नहीं कर्मा वाला कहा करो। चुनांचे इसी निस्बत से आप रहमतुल्लाह अलैह हजरते कर्मा वाला कहलाए। चुनांचे इसी निस्बत से आपकी मौजूदा अकामतगाह को भी कर्मा वाला शरीफ पुकारा जाता है। पाक भारत जंग के छिड़ने से कबल इन्हीं गर्मियों के अय्याम में हजरत साहेब किबला गरीब खाने पर तशरीफ फरमा थे। उन दिनों बजाहिर जंग का कोई इम्कान न था, सख्त गर्मी पड़ रही थी, बरसात शुरू नहीं हुई थी। सुबह शाम एक खादिम अब्दुल गनी से फरमाते थे कि तुम पानी बरसाओ। चुनांचे वो पानी का लोटा भरकर हाथों से उछालता। ये शगल कोई हफ्ता भर जारी रहा कि लाहौर में खूब जोर का मी बरसा और गरीब खाने का नशीबी हिस्सा और इससे बाहर के मुल्हिका प्लाट जेरे आब आ गए। इन्हीं अयाम में शबो रोज हजरत साहेब किबला रहमतुल्लाह अलैह हाजरीन से नारे लगवाते थे। ये नारे नाराए तकबीर, नाराए रिसालत और नाराए हैदरी पर मुश्तमिल होते थे। नाराए हैदरी बहुत ज्यादा लगाते थे, इसमें दिन और रात की कोई तख्सीस नहीं थी। हालांकि इससे कबल हजरत साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह अपनी कयाम गाह पर भी कभी नारे नहीं लगवाते थे। ये बात हर एक के लिए बिल्कुल नई थी। पाक भारत जंग छिड़ने से कबल एक मर्तबा फरमाया कि नाराए हैदरी से बड़े बड़े दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं। एक मर्तबा फरमाया कि नाराए हैदरी बुलंद करते ही हजरत सैयदना अली करमुल्ला वजो खुद उस मकाम पर तशरीफ ले आते हैं। आप बाकायदा एक तबीब भी थे। जब कोई मरीज आता तो चेहरा देखकर ही फरमा देते थे कि इसको फला मर्ज है। आप पूरी पूरी तशखीस फरमाया करते थे। आप इल्मे तिब में बाकायदा सनद याफ्ता तबीब भी थे। जो मिल जाता उसी पर इक्तफा और गुजारा फरमाते थे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मुतवक्किल थे। आप रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाया करते थे कि खुदावंद करीम पर तवक्कल रखो, क्योंकि अल्लाह करीम तवक्कल रखने वालों को महबूब बना लेता है। दूसरी जगह इरशाद बारी ताला है कि मुतवक्किल का रिज्क मेरे जिम्मे है, उसको उस जगह से रिज्क अता करूँगा जहाँ उसका गुमान भी ना होगा। नाजरीन कराम, आप अपने आबाई गांव कर्मोवाला शरीफ में सन 1946 तक कयाम पजीर रहे। आप मौजा कर्मोवाला जिला फिरोजपुर इंडिया में अकामत पजीर थे कि रेलवे स्टेशन फिरोजशाह से जानबे शुमाल 4 मील का सफर पड़ता था। गर्मियों में सख्त तकलीफ होती थी क्योंकि रास्ता पैदल चलने का था। एक दफा महाराजा फरीदकोट की वालिदा ने दरख्वास्त की कि अगर आप एक मर्तबा फरीदकोट तशरीफ ले आएं, तो मौजा कर्मोवाला से फिरोज शाह तक पुख्ता सड़क तामीर करवा दी जाएगी। मगर आपने इस दरख्वास्त को कबूल न फरमाया। महाराजा फरीदकोट की वालिदा आशोब चश्म में मुब्तला थी, तरह तरह के इलाज के बावजूद सेहत याब न हो सकी, लेकिन आपकी नजरे करम से शिफा याब हो गई। नाजरीन कराम, यूं तो हजरत साहेब कर्मावाला शरीफ के बेशुमार वाकयात मौजूद हैं, लेकिन आपके हुस्न समात की खातिर चंद वाकयात मजीद बयान किए जाते हैं। बाबू नूर आलम साहेब मजीद बयान करते हैं कि एक मरतबा वो हजरत ख्वाजा अब्दुशकूर के उर्स मुबारक पर सिरसा शरीफ तशरीफ ले गए। वहाँ एक तहसीलदार जो बड़े मिलनसार और बुजुर्गों के मानने वाले थे, हजरत साहेब किबला रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और हजरत साहेब किबला से खाने के लिए दरख्वास्त की। हजरत साहेब किबला चूंकि मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, इसलिए बाबू साहेब ने तहसीलदार साहेब से कहा कि हजरत साहेब का खाना मस्जिद में ही भिजवा दीजिए।
तहसीलदार साहब ने बहुत आजजी से हजरत क़िबला की खिदमत में दस बस्ता अर्ज किया कि मेरी बड़ी खुशकिस्मती होगी अगर हुजूर मेरे गरीब खाने पर कदम रिंजा फरमाएंगे। हजरत साहिब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने मंजूर फरमा लिया। चुनांचे दूसरे दिन जब हजरत साहिब क़िबला तहसीलदार साहिब के मकान पर तशरीफ ले जाने लगे तो रास्ते में उनसे फरमाया कि बाबूजी आपको बाबा बागड़ शाह की ज़ियारत न कराएं। बागड़ शाह का खादम अमूमन हजरत साहिब क़िबला की खिदमत में हाजिर हुआ करता था और हजरत क़िबला बाबा बागड़ शाह के वास्ते कभी केले, कभी हलवा और कभी दूध वगैरह भिजवाया करते थे। जब हजरत साहिब क़िबला वहां तशरीफ ले गए तो बाबा के खुदाम ने हजरत साहिब क़िबला के लिए कुर्सी लाकर रख दी और हजरत साहिब क़िबला कुर्सी पर बैठ गए। बाबा एक दुकान पर चारपाई पर लेटा हुआ था, मजूबी की हालत थी और वो बाबा हर वक्त हुक्का पीता रहता था। चुनांचे उस वक्त भी एक आदमी से बाबा ने कहा हुक्का लाओ। वो आदमी उठा और हुक्का तैयार करने लगा तो हजरत साहिब क़िबला ने उस आदमी से फरमाया तुम छोड़ दो, ये बाबू आप ही हुक्का तैयार कर देगा। चुनांचे बाबू नूर आलम साहब ने हुक्का ताज़ा करके बाबा के सामने रखा। बाबा ने हुक्का की नै को पकड़ा और मुंह के पास ले जाकर बगैर कश लगाए उनसे कहा उठाओ इसे यहाँ से दूर कर दो। उन्होंने हुक्का उठाकर दूर रख दिया मगर फिर बाबा ने फरमाया इसको मेरी आंखों से दूर कर दो। चुनांचे उन्होंने हुक्का उठाकर बाबा की नजरों से दूर रख दिया। हजरत साहिब क़िबला वहां तकरीबन आधा घंटा तशरीफ फरमा रहे। लोग हैरान थे कि बाबा जो हर वक्त हुक्का पीता रहता था आज उसे हुक्का का ख्याल तक नहीं आया। बाबू साहब ने उनसे कहा कि जब तक हजरत साहिब क़िबला यहाँ तशरीफ फरमा है हुजूर के अदब के सबब बाबा हुक्का नहीं पिएगा। चुनांचे ये आधा घंटा बैठकर चले गए। थोड़ी दूर जाकर हजरत साहिब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये बाबा वक्त का अवैस है। नाज़रीन किराम, हजरत साहिब करमावाला के विसाल मुबारक के मुतल्लिक आपको तफसील से आगाह करते हैं। हजरत साहिब करमावाले ता दमे आखिरत सुन्नत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्ती से अमल पैरा रहे। बिलाखिर 27 रमजानुल मुबारक 1385 हिजरी बमुताबिक 20 जनवरी सन 1966 बरोज जुमेरात 88 साल की उम्र में ये हामिये शरीयत व सुन्नत रहबरे कामिल खुतबे जमान आफताबे इल्म व इरफान इस जहाने फानी से पर्दा कर गया। मौजूदा हालात में बजा तौर पर कहा जा सकता है कि तिश्निगाने जामे वहदत रोशनी के मुतलाशी और भटके हुए लोगों के लिए आस्ताना-ए आलिया हजरत करमावाला शरीफ रुश्तो हिदायत का मरकज है और मंबाए फयूजो बरकात भी है। यही वजह है कि इस आस्ताना-ए आलिया से वाबस्ता लाखों अफराद का सिलसिला दुनिया भर में फैला हुआ है। हजरत साहिब करमावाला का सालाना उर्स मुबारक हर साल बतारीख 27-28 फरवरी आस्ताना-ए आलिया हजरत करमावाला शरीफ उकाड़ा पर जेरे निगरानी पीर सैयद शमसाम अली शाह बुखारी मुनक़िद होता है और ज़िलाई सतह पर तातील होती है। नरब अर्श मुअल्ला उते नरब खाने काबे हू नरब इल्म किताबी लबिया ना रब विच मेहराबे हू गंगा तीर्थ मोल न मिलिया पेंडे बे हिसाबे हू जददा मुर्शिद फड़या बाहू छुट्टे सब अजाबे हू।